भैया एक बात बताइए, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए की बात की थी, हर बैंक अकाउंट में चौकीदार ने 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, मिल गया आपको 15 लाख रुपए? अरे भैया जयपुर की जनता है, थोड़े दम से, मिल गया? ठीक है, वो उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, यहां पे बहुत मुझे युवा दिख रहे हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया? किसानों के बारे में कहा था किसानों को सही दाम देंगे, कर दिया? तो मुझे बताओ भैया, चौकीदार ने पिछले 5 सालों में किया क्या? क्या किया? देखो याद है आपको, पहले नारा चलता था, 6 दिन मोदी जी खड़े होते थे 56 इंच की छाती, कहते थे अच्छे दिन, दूसरी साइड से लोग कहते थे आएंगे, अब वो गलती से भी नहीं कहते अच्छे दिन, जनता कहेगी चले गए। अब नया नारा चला है, सुनो प्रेस वाले आप सुनो, देखो जनता की आवाज सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। भाइयों और बहनों, चौकीदार ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए पकड़ा दिए, किसका पैसा था? आपकी जन आपका पैसा, आपका एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता, जयपुर दिल्ली हाईवे ठीक नहीं हो सकती, आपको नुकसान हो सकता है, मगर अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए तो जाएगा ही जाएगा। मतलब 5 साल में सोचिए, हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति ढूंढिए जिसके पास कुछ नहीं है, सबसे गरीब, और उससे पूछिए भाई, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए डाल दिए तो आपकी जिंदगी का क्या होगा? पूछ लीजिए, सबसे गरीब व्यक्ति आपको कहेगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। अब आप सुनिए, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये न्याय योजना 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने जा रही है, और उसमें हिंदुस्तान के किसान शामिल, बेरोजगार युवा शामिल, माताएं बहनें शामिल, सब के सब, जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम, उनके बैंक अकाउंट में 72,000 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर। मैं मैसेज देना चाहता हूं हिंदुस्तान को, चौकीदार ने मैसेज दिया कि अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है। उन्होंने आप सबको बोला लाइन में खड़े हो जाओ, आंधी में तूफान में लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और आपके जेब में से पैसा निकाला, एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों से नरेंद्र मोदी ने जेब से पैसा निकाला है, और वो पैसा उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों को दिया है। अब मैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं चोरों के जेब से पैसा निकालकर उन्हीं बैंक अकाउंट में जो नरेंद्र मोदी ने खोले, उन्हीं बैंक अकाउंट में ये पैसा डाल के दिखाएंगे। अब मैंने वापस जाता हूं चिदंबरम जी और टीम पर, मैंने टीम से एक और सवाल पूछा, बैठे हुए थे कमरे में, मैंने बोला भाई एक बात बताइए, कहीं ये न्याय योजना से हिंदुस्तान का नुकसान तो नहीं होगा? हम अगर लाखों करोड़ रुपए गरीबों को देंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा?
किसानों को, गरीब लोगों को नुकसान तो नहीं होगा? कहते राहुल जी आप क्या बात कर रहे हो, हमने दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा, सबसे बेहतर कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से पूछा, मनमोहन सिंह जी से बात की, नुकसान नहीं होगा राहुल जी, फायदा होगा। मैंने बोला मैं समझता हूं कि अगर हम 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे तो उनका तो फायदा होगा ही होगा, यह बात समझता हूं, मगर मैं उनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर रहा हूं, माताओं बहनों की बात कर रहा हूं, दुकानदारों की, किसानों की, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कहीं इनकी मदद करने में उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? चिदंबरम जी कहते हैं राहुल जी मैं आपको बताता हूं, और यह आपको अच्छी तरह समझना होगा। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, पेट्रोल के दाम बढ़े, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, नोटबंदी में धड़ाधड़ पैसा खींचा। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम शुरू किया, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के लिए आपके जेब में से पैसा निकालना शुरू किया, जनता की जेब में से पैसा निकालना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। जैसे आप ये कुर्ता पहने हैं, आप ये टेनिस शूज पहने हैं, जैसे ही मोदी जी ने आपके जेब में हाथ मारा, पैसा निकाला, आप अपना टेनिस का जूता जो भी आप पहले खरीदते थे आप नहीं खरीद पाए, जेब में पैसा ही नहीं था, चौकीदार ने निकाल लिया। हाँ हवाई बात समझ, अब निकाल दिया चौकीदार ने तो जनता की जेब में पैसा नहीं। माताजी आपका नाम क्या है? हाँ आपका, हाँ सरोज चौधरी जी के जेब में पैसा नहीं, अब सरोज चौधरी जी को बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो नहीं खरीद पाए क्योंकि चौकीदार ने सरोज जी के जेब से पूरा निकाल लिया, घर में रखा था, लाखों महिलाओं से छीना, जैसे ही सरोज जी के जेब से पैसा गया वैसे ही सरोज जी ने खरीदना बंद किया, जैसे ही सरोज जी और लाखों करोड़ों महिलाओं ने, भाइयों ने खरीदना बंद किया, वैसे हिंदुस्तान की दुकानों ने बेचना बंद किया, जैसे ही दुकानों ने बेचना बंद किया फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, जैसे ही फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया वैसे ही बेरोजगारी शुरू हो गई। भाई और बहनों नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब न्याय योजना, सरोज जी जैसी करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी डायरेक्ट ऊपर से पटाक, हर महीने 6,000, शायद सरोज जी आपको ना मिले, आपकी आमदनी 12,000 से ज्यादा है तो शायद आपको ना मिले, मगर करोड़ों महिलाओं को मिलेगा। और जैसे ही पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई मोबाइल टेलीफोन, चश्मा, टूथपेस्ट, जैसे ही हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग माल खरीदना शुरू करेंगे, दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा, जैसे ही माल बिकना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी। और ये जो यहां युवा घूम रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार किया, इन सबको ढूंढ ढूंढ कर फैक्ट्री वाले फैक्ट्रियों में रोजगार देंगे, न्याय योजना का जादू। अब मैंने एक और सवाल पूछा, मैंने कहा बताइए ठीक है न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी, जैसे ट्रक में डीजल भरा जाता है, चाबी घुमाने से पहले ट्रक में डीजल, इंजन में डीजल डालना पड़ता है ना, नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था से पूरा का पूरा डीजल निकाल दिया, इंजन से पूरा डीजल निकाल दिया, अनिल अंबानी के हवाले कर दिया,
उसके बाद चाबी घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। चौकीदार, अब हम उसमें पेट्रोल डीजल डालेंगे इंजन में, और जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में न्याय योजना पेट्रोल डालेगा, जैसे ही पेट्रोल जाएगा चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से रोजगार पैदा होना शुरू हो जाएगा। मगर मैंने एक और सवाल पूछा, मैंने कहा भैया बताओ इसका पैसा कहां से आएगा, और मैंने उनसे साफ बोला मध्यम वर्ग मिडिल क्लास हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता है, न्याय योजना का एक भी पैसा मध्यम वर्ग के जेब से नहीं आना चाहिए। और मुझे जवाब मिला, राहुल जी एक भी पैसा न्याय योजना का मध्यम वर्ग के जेब से मिडिल क्लास से नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूं मोदी जी, मैं आपको बताता हूं न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा। चौकीदार जी अच्छी तरह सुनिए, न्याय योजना का पैसा अनिल अंबानी जैसे चोरों के जेब से आएगा। आई बात समझ मोदी जी, आप अपने दोस्त को बचाइए, राफेल की इंक्वायरी होने वाली है, दो नाम निकलेंगे मोदी जी, एक अनिल अंबानी, दूसरा नरेंद्र मोदी। सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। आपने देश को झूठ बोला, आपने किसानों को बोला सही दाम दूंगा, आपने युवाओं को बोला 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठ बोला। अब यहां किसान है, आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, शक्ति हो। मैंने आपसे पूछा, स्वयं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन रहा था, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे देश में किसानों से पूछने के लिए भेजा। मैंने उनसे कहा, और सिर्फ किसानों से नहीं, युवाओं से भी, माताओं बहनों से भी, मैं भैया आपको सीधा बता देता हूं, देखिए डायरेक्ट बताता हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं, पिछले 5 साल मन की बात, मेरी मन की बात सुनो, जहां भी जाते हैं मन की बात करते हैं। मैं आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहता, मुझे अपनी मन की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी मन की बात में इंटरेस्ट है। मैं आपकी मन की बात सुनना चाहता हूं, और जो आप मुझे ऑर्डर देंगे, देखिए मेरे सिस्टम में मालिक आप हो, मेरा काम सुनने का है। जो आप मुझे ऑर्डर दोगे, जो मालिक ऑर्डर देगा, वो कांग्रेस पार्टी और मैं करूंगा, सीधी सी बात है। अब मैं किसानों के पास गए, और किसानों से हमने पूछा, भैया देखो राजस्थान में कर्जा माफी हुई, आप हमें बताओ अब क्या चाहते हो, और साफ बताओ, सीधा बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं, जो भी सपना है, जो भी दिल में है, खोल के बता दो। अब सुनो, अब देखो, किसान की सोच देखो और किसान का ज्ञान समझो। अब देखो सवाल पूछते हैं, और वही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सुनो वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान के किसान ने मुझसे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, नाम आप जानते हो, अनिल अंबानी, मेहुल, नीरव, यहां राजस्थान का ललित मोदी, ये नाम आप जानते हो। तो हिंदुस्तान के किसान ने हमसे एक सवाल पूछा, भैया एक बात बताइए, ये जो चोर है विजय माल्या 10,000 करोड़ हिंदुस्तान के बैंक का पैसा लेके भाग गया,
ये अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, हमें समझ नहीं आ रही बात किसानों ने कहा। राहुल जी ये जो चोर है 45,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, ये बैंक से पैसा लिया इसने, कर्जा वापस नहीं दिया, ये जेल के बाहर बैठा है। नीरव मोदी जेल के अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? विजय माल्या बाहर अंदर? अनिल अंबानी बाहर अंदर? तो कहते हैं भैया ये बाहर है, मगर जब राजस्थान का किसान 20,000 रुपए, अरे छोड़ो 20,000 छोड़ो, 5,000 रुपए का बैंक लोन लेता है, किसान लेता है 5,000 और वापस नहीं देता, तो पुलिस वाले आ जाते हैं, पकड़ के उसे अंदर कर देते, जेल में डाल देते हैं। अरबपति 35,000 करोड़ रुपए लेता है, बाहर घूमता है, चक्कर काटता है, मोदी जी से गले मिलता है, और किसान 5,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता, जेल जाता है, ये क्या हो रहा है भाइयों और बहनों? क्या ये आपके न्याय लगता है, ठीक लगता है क्या? तो हिंदुस्तान के किसानों ने बोला कि हमें ठीक नहीं लगता, तो हमने कहा ठीक है आप मालिक हो। 2019 भाइयों और बहनों ऐतिहासिक निर्णय, दिवाली का पटाखा फटता है ना धड़ाम से, वैसे पटाखा फटने वाला है 2019 में। दो हजार उन्नीस में राजस्थान के किसान, अच्छी तरह सुनो, हिंदुस्तान के किसान जो टीवी देख रहे हो अच्छी तरह सुनो, 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और जैसे ही आएगी हम कानून बदलेंगे, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी प्रदेश का किसान, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का किसान, छोटा खेत हो बड़ा खेत हो, कर्ज ना लौटाने के लिए हिंदुस्तान के किसी भी किसान को जेल में नहीं डाला जा सकेगा। ये देखो पटाखा फटाना पटाखा